हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी समर स्पेशल बादाम कस्टर्ड पुडिंग लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे चाहे आइसक्रीम समझ के या फिर पुडिंग समझ के बनाकर खा सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1/2 kg के लगभग दूध ले लिया है। इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ आलमंड्स को सोक करके रखा था 3 से 4 घंटे के लिए और अभी अच्छी तरह से सोक हो गए हैं। अगर आपको फटाफट से बनाना हो तो आप इसको थोड़े से गर्म पानी में डाल सकते हैं, तो ये 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और इस तरह से हमको हमारे इसके बादाम की सारी स्किन निकाल लेना है। तो सारे स्किन हम बादाम की अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि इसमें छिलका इसका ना रह जाए। और यदि अगर आपको इसी तरह से पसंद हो तो आप फिर इसको इसी तरह से बनाकर पेस्ट बनाकर इसको हमें इसे डालना है। तो आप अगर स्किन के साथ पसंद करते हैं तो आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी सारी स्किन निकाल ले रही हूँ। अब हमारे दूध में अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है, तो दूध को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये नॉर्मल दूध है जिससे मैं इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी। इस तरह से कस्टर्ड घोल लेने से इसमें कोई भी लम्स नहीं आते हैं और हम धीरे धीरे करके हमारे मिल्क में इसको ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी से बनाकर हम इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं, बादाम शेक भी बना सकते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छी तरह से लम्स फ्री हो चुका है और बहुत ही अच्छा घुल गया है। तो अब हम हमारे दूध में इसको ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए डालें और गैस को एकदम मीडियम कर लें, नहीं तो इसमें गुल्ठियाँ बन जाएंगी। तो हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़ा सा पतला या थिन पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करें। और यदि अगर आपका कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग चीनी ले ली है। अपने मिठास के अनुसार आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो शुगर मैंने ऐड कर दी है और एकदम मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं। तो ये बादाम को मैंने अच्छी तरह से छीन लिया है, इसके सारे छिलके निकल गए हैं। तो अब इसको ग्राइंडर जार में हम अच्छी तरह से इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। हमको इसको एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसके चंक्स रहने चाहिए ताकि हम जब उसको खाएंगे या पिएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हल्का सा दरदरा है ये, इसको निकाल लेते हैं। और ये मैं निकाल ली इसको कटोरी पर। तो हमारा जो कस्टर्ड बन रहा है उसको हम अच्छी तरह से इसमें डाल देते हैं। अब तो इसमें बादाम का फ्लेवर आ जाएगा। आप इसी तरह से अपने मनचाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसमें उस फ्लेवर का बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब आपके घर पर मेहमान आए तो आप इसको उनको अच्छा ठंडा ठंडा दे सकते हैं। ये एक अलग ही रेसिपी हो जाएगी और बहुत ही हेल्दी वे पर है और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो हमने इसको बादाम को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से ना पक जाए। तो देखिए कस्टर्ड का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये पक गया है। तो अब थोड़ी सी हम इसमें बादाम की कतरन डाल देते हैं। आप अपने मनचाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। आप इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपने मनचाहे जो भी मनपसंद जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है या फिर आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एकदम देखिए बनकर तैयार हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में, जब तक कि यह रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। तो देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ रहा है। तो बस एक उबाल आने तक हम इसको बस और पका लेंगे, क्योंकि हमारा कस्टर्ड भी बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है और जो हमने इसमें बादाम का पेस्ट डाला था उसमें इसमें बहुत ही थिकनेस आ गई है। तो एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में। तो अब हम इसको एक प्याले में पलटा लेते हैं, एक बाउल में, या फिर जो भी मनपसंद हो आप उसमें डाल दीजिए। और फिर हम इसको रख देंगे डीप फ्रीजर में, रख दीजिए आप। तो ये 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा।
तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया था। तो आप देखिए कितना बढ़िया थिक हो गया है। तो अगर आपको पतला पसंद हो तो आप इसमें कम कस्टर्ड इस्तेमाल करिएगा। और ये मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया हुआ है, तो देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और ये बहुत ही चिल्ड है क्योंकि मैंने इसको डीप फ्रीजर में रखा है। तो 10 मिनट के अंदर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो अब मैं इसको शॉर्ट्स ग्लास में डाल देती हूँ और ये एकदम रेडी हो चुका है। तो आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता हो या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, तो आप इस तरह से इसको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये समर स्पेशल कस्टर्ड बादाम मिल्क शेक पुडिंग बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने बादाम की कतरन से गार्निश कर लिया है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती ही रहूँगी। तो आप इसे एंजॉय करिए और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।